जय हिंद दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप सिंह, यह नाम डिफेंस एस्पिरेंट के दिल में आग लगाने के लिए काफी है। फरवरी 2017 में मेजर रैंक से अमरदीप सिंह और उनकी टीम कश्मीर वैली में एक टेररिस्ट अटैक का शिकार होते हैं। टेररिस्ट ने तीनों दिशाओं से हमारे फौजी के ऊपर फायरिंग चलाया। इस भयानक गोलाबारी में हमारे 3 पर्सनल शहीद हो जाते हैं और 5 बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। इसमें मेजर अमरदीप साहब को सिर में और पेट में गोली भी लगती है। बुरी हालत में जब उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो उनकी जान तो बच जाती है लेकिन वो कोमा में चले जाते हैं। कोमा से लौटने का कुछ उम्मीद नहीं थी लेकिन एक फौजी का शरीर है कुछ ही महीनों में रेस्पॉन्स किया और कोमा से बाहर आ गए, लेकिन वो व्हीलचेयर पे आ गए। इसी अवस्था में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक में प्रमोट भी किया गया। अमरदीप साहब ने राष्ट्रीय राइफल्स में रहकर वैली में टेररिस्ट को ठोका भी है। उनका पूरा फैमिली आर्मी से जुड़ा हुआ है। उनकी वाइफ लेफ्टिनेंट कर्नल शीला मैम सिग्नल कोर के ऑफिसर है। पिता कर्नल देहाल साहब मद्रास रेजिमेंट के ऑफिसर थे। इस तरह के फौजी हमेशा इस देश को इंस्पायर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।